नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं कंप्लीटनेस टॉपिक का, कि हमारे पास में सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, यानी वो इनकम्प्लीट होता है। इससे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कंप्लीटनेस के बारे में, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में कि कंप्लीटनेस क्या होता है, और रियल लाइन जो है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होता है। अगर हम आज के वीडियो में ये बता रहे हैं कि रैशनल नंबर्स जो है वो इनकम्प्लीट होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर जो कि R का सबसेट है वो इनकम्प्लीट है। इसका मतलब कि अगर हमारा कोई भी सेट कंप्लीट है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका जो सबसेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि वो जो सबसेट आ रहा है R का वो कंप्लीट है, यानी कि कंप्लीट स्पेस का सबसेट जो है वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों हो सकता है। ये हम अलग अलग काउंटर एग्जांपल्स को लेते हुए डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं Q, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आप आज के वीडियो को समझना चाहते हैं तो कम्प्लीटनेस से रिलेटेड मैंने जो दो वीडियोस कराए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो क्लियर नहीं होंगे तो आपको आज का ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसकी स्टेटमेंट है वो लिखते हैं थ्योरम की, द स्पेस ऑफ रैशनल नंबर्स with the usual metric is incomplete, यानी कि ये complete नहीं है। तो चलिए इसका proof लेते हैं। Let Q be the set of rational numbers. हमारे पास में D जो मैट्रिक है, D फ्रॉम R क्रॉस R टू R प्लस यूनियन जीरो डिफाइंड बाय D ऑफ XY इज इक्वल टू मॉड ऑफ X माइनस Y, ये वाली जो मैट्रिक होती है हमारे पास में is a usual metric on R. इसको हम usual metric कहते हैं, यानी कि हमारे पास में R D जो होता है वो metric space होता है। अब हमारे पास में Q जो है वो R का subset है, therefore Q D is और सबस्पेस ऑफ आर डी। क्यू डी हमारे पास में आर डी का सबस्पेस हो गया, और ये सबस्पेस हो गया तो ये अपने आप में एक मीट्रिक स्पेस बन गया, देयरफॉर क्यू डी इज अ मीट्रिक स्पेस। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ सबस्पेस का मीट्रिक स्पेस टॉपिक के अंदर। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक को देख सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स स्पेस है क्यू डी ये कंप्लीट नहीं है। इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा, कि ये कंप्लीट नहीं है। इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि यहाँ पर कम से कम एक सीक्वेंस ऐसी ज़रूर है जो कि कौशी तो है मगर वो कन्वर्ज नहीं कर रही है। इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पर हमें इनकम्प्लीट प्रूफ करना होता है जब, तो हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेते हैं। वो एग्जांपल आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं जो कि जिसको हम कौशी तो प्रूफ कर रहे हैं जो और कन्वर्ज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम जो सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं कुछ इस तरह से हैं, लेट xn डिफाइंड बाय सेटिंग x1 हम फिक्स कर रहे हैं, x1 इज इक्वल टू 1 एंड xn प्लस 1
is equal to 4 plus 3xn divided by 3 plus 2xn for all n belongs to z plus. यानि कि हम हर एक previous value के ऊपर नई next value define कर रहे हैं. हमें x1 पता है, x2 हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4 plus 3x1 divided by 3 plus 2x1, x3 जो है वो x2 पर define हो जाएगा, x4 जो है वो x3 पर define हो जाएगा. इसी तरह से हर एक जो next value है xn plus 1 वो उसकी previous value xn के ऊपर define हो रही है. इसमें यहाँ पर जो Cauchy sequence proof करने वाला जो concept है वो थोड़ा सा लंबा है और जो convergence का concept है वो थोड़ा सा simple है. तो हम सबसे पहले ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही है किस पॉइंट पर, और वो जो पॉइंट है वो रैशनल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है. नेक्स्ट केस में हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये Cauchy सीक्वेंस है. तो सपोज सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू x, सपोज हमारे पास में ये जो सीक्वेंस है xn ये x को कन्वर्ज कर रही है. Therefore, x is equal to limit n tends to infinity xn. अब हम xn की बजाय हमें xn plus 1 डिफाइन करा है हमने. सेम चीज़ है, हम यहाँ पर इसको xn को n plus 1 से रिप्लेस कर देते हैं. फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा n अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो xn और xn plus 1 सेम रोल प्ले करेगा. अब यहाँ पर हम xn plus 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो गया हमारे पास में सॉरी 4 प्लस 3xn डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2xn. अब यहाँ पर हम लिमिट का क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हुए हमें पता है लिमिट ऑफ a बाय b इज इक्वल टू लिमिट ऑफ a डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ b होता है. तो यहाँ पर हम इस लिमिट को सेपरेट कर देते हैं तो हमारा x इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 प्लस 3xn डिवाइडेड बाय लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 प्लस 2xn. हम इसको सेपरेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 4 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2x. तो ये हो गया हमारे पास में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3x. तो ये हो जाएगा 3x से 3x कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में प्लस माइनस रूट 2. यानी कि जो हमारे पास में लिमिट आ रही है वो रूट 2 आ रही है. तो रूट 2 है इसलिए ये q को बिलोंग नहीं करेगा, ये बिलोंग कर जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स. Therefore, sequence xn doesn't converge in Q. यानी कि set of rational numbers जो है, वो हमारी ये जो equation है, ये set of rational numbers में हमारी converge नहीं करेगी. अब next case में हमें prove करेंगे कि ये जो sequence है, ये Cauchy sequence है. Now we will prove sequence xn is a Cauchy sequence. अब इसको Cauchy sequence proof करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर हमें दो चीज़ों को proof करने की ज़रूरत रहेगी. वो दो चीज़ें इस तरह से है जो कि आपको मैं जैसे जैसे proof करूँगी आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों proof करा है इसको. First है कि हमारे पास में सभी जो xn's हैं वो greater than equal to 1 होने चाहिए, और next है कि हमारे पास में सीक्वेंस x n स्क्वायर जो है वो 2 को कन्वर्ज करेंगी. ये दो केस हमको प्रूफ करने हैं. सबसे पहले हम अपना फर्स्ट केस प्रूफ करते हैं जहां पर हम ये प्रूफ करेंगे कि x n जो है वो सभी के सभी ग्रेटर देन 1 है. यहां पर आप देख रहे हो, मैं आपको स्टेटमेंट लिख देती हूँ. वी हैव टू प्रूफ xn greater than equal to 1 for all n.
ये हमें प्रूव करने की जरूरत है। हमारे पास में x1 जो है वो हमारे पास में ग्रेटर देन जीरो है, आप देख सकते हैं, बिकॉज x1 जो है वो हमारे पास में वन है, और सभी के सभी xn जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। ये किस तरह से है? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू टू, क्योंकि हमारे पास में x1 जो है वो वन है, तो x2 जो है ये हमारे पास में फोर प्लस थ्री एक्स वन, फोर प्लस थ्री एक्स वन डिवाइडेड बाय थ्री प्लस टू एक्स वन, तो हमारे पास में x2 ग्रेटर देन जीरो हो गया, रिकर्सिवली x3 ग्रेटर देन जीरो हो गया, ये होते होते हमारे पास में xn ग्रेटर देन जीरो हो गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और x1 हमने ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो लिया है, देयरफॉर xn ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z प्लस, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि ये xn ग्रेटर देन जीरो है, अब हमें प्रूफ ये करना है कि xn जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन है फॉर ऑल n। अब हमारे पास में x1 जो है वो वन है, बाकी हम कंसिडर करते हैं फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर xn माइनस वन, तो ये हमारे पास में आ गया फोर प्लस थ्री एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री प्लस टू एक्स एन माइनस वन माइनस वन। हम अगर इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्रूफ कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाता है। यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए, विच इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास में फोर प्लस थ्री एक्स एन माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री प्लस टू एक्स एन माइनस वन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो ये आ गया हमारे पास में एक्स एन माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री प्लस टू एक्स एन माइनस वन, ये हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। किस लिए? क्योंकि ये हमारे पास में ग्रेटर देन जीरो है, ये ग्रेटर देन जीरो है, तो इन एक्सप्रेशंस में हमारे पास में पॉजिटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं वन और थ्री, तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू देयरफॉर एक्स एन माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू therefore xn greater than equal to 1 for all n greater than equal to 2, और x1 जो है वो already 1 है, therefore xn greater than equal to n for all n belongs to z plus, तो ये आ गया हमारे पास में हमने अपना first case proof कर दिया। next case में हम ये proof कर रहे हैं कि हमारे पास में सीक्वेंस एक्स एन स्क्वायर जो है वो टू को कन्वर्ज कर रही है। ये हम किस तरह से करेंगे? यहाँ पर हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ सीक्वेंस एक्स एन स्क्वायर कन्वर्जेस टू टू। अब हम देखते हैं कि एक्स एन स्क्वायर की टर्म्स किस तरह की होंगी। हमारे पास में एक्स एन स्क्वायर की टर्म्स कुछ इस तरह से होंगी, फोर प्लस थ्री एक्स, फोर प्लस थ्री एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री प्लस टू एक्स एन माइनस वन होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास में टर्म्स कुछ इस तरह की होंगी। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस आ रही है एक्स एन स्क्वायर ये टू को कन्वर्ज कर रही है। इसके लिए हम कंसिडर कर लेंगे, हमारे पास जब भी हमें प्रूफ करना होता है कि सीक्वेंस ए एन जो है वो एल को कन्वर्ज करती है तो हम मॉड ऑफ ए एन माइनस एल कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं एक्स एन स्क्वायर माइनस टू, बाद में हम उसकी मॉड्यूलस वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें टू को कन्वर्जेंस प्रूफ करनी है तो हम ये डिफरेंस कंसिडर करते हैं सीक्वेंस की टर्म माइनस लिमिट। तो ये हो गया हमारे पास में फोर प्लस थ्री एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस टू एक्स एन माइनस वन होल स्क्वायर माइनस टू। तो ये हो गया हमारे पास में एक्स एन माइनस वन
square minus 2 divided by 3 plus 2 x n minus 1 whole square for all n greater than equal to 2. यहाँ पर हम for all n greater than equal to 2 इसलिए consider कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में x1 square जो है वो 1 ही आएगा. इसलिए हम 1 को consider करने की बजाय for all n greater than equal to 2 consider कर रहे हैं. अब यहाँ पर आप देखोगे ये वाला एक simple सा solution है. इसको आप square लेंगे उसके बाद में जब इसका LCM लेंगे तो ये वाला आ जाएगा. इसलिए इसका step बहुत simple है, इसलिए मैं आपको ये करके नहीं दिखा रही हूँ. यहाँ पर आप देखोगे कि हर x1 square जो है वो 1 है, ये less than 2 आ गया. और ये वाला जो expression है, अगर ये less than 2 है, तो हमारे पास में x2 ये वाला जो आएगा, x2 square minus 2 जो है, ये हमारे पास में आ जाएगा x1 square minus 2 divided by 3 plus 2 x1 whole square. अब ये जो expression है denominator, चाहे हम कोई भी value ले लें, ये हमेशा greater than 0 रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास में square आ रहा है इसलिए. यानी जो हमारा negative और positive value जो है, वो totally numerator के ऊपर depend कर रहा है. अब हमारे पास में x1 जो है, वो less than 2 आ रहा है x1 square. तो ये वाला जो expression है, ये less than 0 हो गया. तो ये हमारे पास में less than 0 हो जाने के कारण x2 square minus 2 less than 0, therefore x2 square less than 2 आ गया. हम इसी तरह से जब proceed करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कि xn square less than 2 for all n greater than equal to 2. और x1 के लिए हमने already proof कर रखा है, therefore xn square less than 2 for all n greater than equal to for all n belongs to z plus. अब हमें एक चीज ये पता है from case 1 we have xn greater than equal to 1 for all n belongs to z plus. हम expression जो है वो xn minus 1 की form में ले रहे हैं, तो ये लिख देंगे xn minus 1 जो है in particular वो भी greater than equal to 1 है और all n greater than equal to 2. अब यहाँ पर अगर हम इसको 2 से multiply कर दे, तो ये हो गया हमारे पास में 2xn minus 1 greater than equal to 2. दोनों side 3 add कर देंगे, तो ये हो गया 3 plus 2xn minus 1 greater than equal to 2 plus 3 which is equal to 5. तो ये हो गया हमारे पास में 3 plus 2xn minus 1 greater than equal to 5. Therefore 1 upon 3 plus 2 xn minus 1 whole square less than equal to 1 by 5 square for all n greater than equal to 2. Therefore, यहाँ पर हम ये वाला expression इसलिए लेकर आए हैं ताकि हमारी ये वाली जो term आ रही है हम इसको solve कर सकें. हमने इससे पहले जो हमारा ये वाला expression आ रहा है ना 3 plus 2 xn minus 1 whole square, हम इससे जा सकें, इसको छोड़ सकें, इसलिए हम इस वाले एक्सप्रेशन को 1 by 5 square ये इससे छोटा प्रूफ कर रहे हैं. अब हम जो हमारा मेन पार्ट है वो कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि मॉड ऑफ a n minus l हम जिस तरह से कंसिडर करते हैं उस तरह से हम कंसिडर कर लेते हैं x n square minus 2 का मॉड्यूलस वैल्यू. तो ये आ जाएगा हमारे पास में मॉड ऑफ x n minus 1 whole square minus 2 divided by 3 plus 2x n minus 1 whole square, इसका modulus value. तो यहाँ पर ये square हो जाने के कारण ये mod से बाहर आ जाएगी, तो हमारे पास में जो expression है वो खाली ये वाला बच जाएगा ऊपर mod और नीचे वाली value as it is. अब नीचे वाली जो value थी वो हमारे पास में less than equal to 1 by 5 square थी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में x n minus 1 square minus 2 into 5 to the power minus 2. अब ये वाला जो expression है, again हम ये same steps follow करते करते जब जाएंगे, तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 to the power minus of 2n minus 2 into mod of x1 square minus 2.
तो हमारे पास में x1 जो है वो 1 है, तो ये हो गया 5 टू द पावर माइनस ऑफ 2n माइनस 2 इंटू 1, यानी कि 5 टू द पावर माइनस ऑफ 2n माइनस 2। Therefore, mod of xn square minus 2 less than equal to 5 to the power minus of 2n minus 2। अब आप जब ये देखोगे कि हमारे पास में ये जो सीक्वेंस है 5 to the power minus of 2n minus 2, ये किस तरह की सीक्वेंस आ रही है? ये जो सीक्वेंस है ये कुछ इस तरह की आ रही है, 1 by 25, जब n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे अलग अलग और n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो हमारे पास में सीक्वेंस कुछ इस तरह की आ रही है। ये जो सीक्वेंस है ये जीरो को कन्वर्ज कर रही है। देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट mod फाइव टू द पावर माइनस 2n माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और ये सभी के सभी जो वैल्यूज है ये ग्रेटर देन जीरो है, तो इसको हम मॉड से बाहर लेकर आ सकते हैं। लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, देयरफॉर हमारे पास में जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा था मॉड ऑफ xn स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 5 टू द पावर माइनस ऑफ 2n माइनस 2, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m आ गया। देयरफॉर मॉड ऑफ xn स्क्वायर माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, देयरफॉर सीक्वेंस xn स्क्वायर इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन q। तो हमारे पास में सीक्वेंस xn स्क्वायर जो है वो 2 को कन्वर्ज कर रही है, और 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर सीक्वेंस xn स्क्वायर जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गई क्यू के अंदर, और हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कॉशी सीक्वेंस होती है बाय कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। देयरफॉर xn स्क्वायर इज अ कॉशी सीक्वेंस इन क्यू। अब ये वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम अपना थर्ड केस प्रूफ करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारे पास में सीक्वेंस xn जो है वो कॉशी सीक्वेंस है Q में। नाउ वी विल प्रूव सीक्वेंस xn इज अ कॉशी सीक्वेंस इन Q। ये केस थर्ड है हमारा और लास्ट केस है। यहाँ पर सिंस सीक्वेंस xn स्क्वायर इज अ कॉशी सीक्वेंस इन क्यू, ये हमारे पास में कॉशी सीक्वेंस है, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट mod of xp square minus xq square less than epsilon for all pq greater than equal to m। अब हमारे पास में a square minus b square का formula लगाएंगे हम, तो ये हो गया a minus b into a plus b, तो ये हो जाएगा हमारे पास में mod of xp minus xq into mod of xp plus xq less than epsilon for all pq greater than equal to m। Therefore, xp minus xq less than epsilon into 1 divided by xp plus xq for all pq greater than equal to m। अब हमारे पास में हमें पता है कि xp और xq दोनों जो है वो greater than 0 है, क्योंकि हमारे पास में सभी xn जो है वो greater than 0 है। Now x mod of xp plus xq जो है वो हमारे पास xp plus xq आ जाएगा, because all xn greater than equal to 0।
अब यहाँ पर हमारे पास में तो हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एक्स पी प्लस एक्स क्यू। अब हमारे पास में इसको हम इक्वेशन नंबर वन ले लेते हैं, फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम। हमारे पास में एक्स पी प्लस एक्स क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, बिकॉज एक्स पी ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एक्स क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन। सभी एक्सेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, जैसा कि हमने केस वन के अंदर प्रूव करा है। देयरफोर फ्रॉम वन वी हैव मॉड ऑफ एक्स पी माइनस एक्स क्यू, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम। देयरफोर मॉड ऑफ एक्स पी माइनस एक्स क्यू, ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम। देयरफोर सीक्वेंस एक्स एन इज अ कॉशी सीक्वेंस। तो हमारे पास में सीक्वेंस एक्स एन जो है वो कॉशी सीक्वेंस आ जाती है। नाउ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्स एन इन क्यू विच इज कॉशी सीक्वेंस बट नॉट कन्वर्जेंट। तो हमारे पास में क्यू के अंदर एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है एक्स एन जो कि कॉशी सीक्वेंस तो है मगर वो कन्वर्ज नहीं कर रही है। देयरफोर क्यू डी इज नॉट अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। तो हमारे पास में क्यू डी जो है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस नहीं है। देयरफोर क्यू विद यूजुअल मैट्रिक इज इनकम्प्लीट। तो हमारे पास में क्यू विद यूजुअल मैट्रिक जो है वो इनकम्प्लीट मैट्रिक स्पेस आ जाता है। यहाँ पर हम एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो काफ़ी ऑथर्स एज अ थ्योरम कंसिडर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर हम एक इतना इंपॉर्टेंट सबसेट जो है रैशनल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स का जो कि इनकम्प्लीट हम प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पर इसके बहुत सारे स्टेप्स आपको ऐसे हैं कि भाई हम इसको कैसे याद रखेंगे, हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, लेकिन ये सारे जो प्रूफ्स होते हैं जो मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि आप बुक से डायरेक्ट कॉपी करते हो, मैं प्रूफ्स बना नहीं रही हूँ। ये बहुत सालों की रिसर्च के बाद में बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने ये प्रूफ क्रिएट करे हैं। मैं इसको सिंपलर वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये बहुत सालों से बहुत सारे मैथमेटिशियंस की मेहनत का नतीजा होता है ये सारे प्रूफ, जिनको आपको कुछ स्टेप्स को याद रखना पड़ता है प्रैक्टिस से कि इसके बाद ये वाला स्टेप आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है विथ यूजुअल मैट्रिक। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।